सर, 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के लिए एक टर्निंग सक्सेस पॉइंट जो था वो पुलवामा था, और इस बार जो अभी मतदान हुआ है उस पुलवामा में, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये जो अपराधी उस समय पकड़े गए वो कैसे पकड़े गए और कैसे वो बेनिफिशियल हो गया बीजेपी के लिए? पुलवामा बहुत टर्निंग पॉइंट था नरेंद्र मोदी अमित शाह के जीवन में, कहना चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि 40 जवान शहीद हो गए। पॉलिटिकली राग देश में एक स्थायी सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार के आने में मोरल बूस्टर था पुलवामा। उसके बाद फिर ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने चले गए, बालाकोट चले गए, वहाँ चले गए जाके। जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पुलवामा आतंकियों का गढ़ रहा है। शायद 32 साल बाद पहली बार वहाँ पोल हुआ है, इस तरह से संजीता पोल वहाँ पर हुआ है, जो वहाँ पर गढ़ था उनका। तो वहाँ जब गढ़ था तो वहाँ पर CRPF का एक कैंप है, मूवमेंट होता है जवानों का, तो जवानों का मूवमेंट हो रहा था वहाँ पे। जो है तो जो पाकिस्तान से कंट्रोल्ड, रावलपिंडी से या कहीं से कंट्रोल जो लोग थे, आतंकी संगठन जो है, उन्होंने जो होता है आत्मघाती दस्ता जो है, सुसाइड बॉम्बर जो है, उसको तैयार किया। आदिल नाम का आदमी था और एक शाकिर नाम का आदमी था, मैंने पढ़ा, जो है उन दोनों को तैयार किया इस काम के लिए। शाकिर तो सपोर्ट करेगा और मेन जो सुसाइड बॉम्बर है वो आदिल रहेगा। तो उन दोनों को इको कार दी, उसमें सारे उन्होंने बारूद और ये सब, ये होता है ID सब, ये उसमें डाल दिया करके जो है, तो जाके बैठ गए वहाँ पे जो है। तो जैसे ही वो वहाँ से चलने लगी गाड़ियों, क्या है, किलोमीटर 262 से 272 को 10 किलोमीटर का फैस था, उसमें बहुत रोड़ी वोड़ी पड़ी हुई थी सड़क पे, तो उसको क्रॉस करना था उनको। तो इन्होंने देखा गाड़ियाँ स्पीड पे नहीं होंगी वहाँ पे, तो अपन उसको अटैक कर सकते हैं। तो दोनों बैठे, गाड़ी को किया, और उसके आदिल के पास, जहाँ आदिल गाड़ी चला रहा था, जो उसके मेन था, उसकी जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको, तो उन्होंने, उसके हाथ में डिजिटल घड़ी थी, उसने शाकिर को दी कि दोस्त अलविदा, मेरी आखिरी ये तुम्हारे पास याद रहेगी, तो तुम उतरो। वो गाड़ी से उतरा और वो अपने गांव की तरफ भागने लगा, और उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे करी। 3:05 पे जैसे ही उसके नज़दीक आया वो वहाँ के जो है, तो हाईवे पे एक ASI लोकल पुलिस के लोग घूमते थे, उसको डाउट हुआ, वो पीछे भागा, लेकिन ये आगे निकल गया था, अगर उसे पकड़ लेता तो ये घटना नहीं होती जी। तो ये आगे था, वो थोड़ा पीछे था, आधा किलोमीटर उसके जो है। तो इसने जैसे उनके आगे पास पहुंचा, CRPF के ट्रक्स के आसपास पहुंचा वहाँ पे, उसने ट्रिगर दबा दिया, बस एक काले धुएं का गुब्बार उठा आसमान के अंदर और सब कुछ ख़त्म। 40 जवान ख़त्म, आदिल ख़त्म, वो मोहनलाल जो था ASI वो ख़त्म, और फिर देश में किस तरह का हुआ। तो इस तरह की घटना हुई और ऐसे उसका पतन हुआ। दिस इज़ ऑल।